मित्रों, दोस्तों एंड फ्रेंड्स, आज शुक्रवार की शाम 20 जुलाई 2018 को डायलॉग विद प्रोफेसर निर्मल गुप्ता में मैं आप सभी का दिल से सादर अभिवादन, खुशामदीद एंड वेलकम करता हूं। चर्चा के आरंभ में ही ये बात मैं स्पष्ट कर दूं कि ये चर्चा किसी भी पार्टी विशेष अथवा विचारधारा से कोई सरोकार नहीं रखती है। हमारी चर्चा सिर्फ और सिर्फ हमारे पवित्र संविधान में वर्णित मूल भावना को सामने रखते हुए आज के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को एनालाइज करने का एक निश्चल प्रयास भर है। एक और आग्रह मैं करूँगा कि मेरी इस तकरीर को एक बार ध्यान से जरूर सुने और उसके बाद हमारे देश में संविधान और प्रजातंत्र के नाम पर देश और 130 करोड़ नागरिकों की जो दुर्गति हुई है या हो रही है या उससे भी आगे होने की स्पष्ट संभावना दिख रही है, उसका ट्रीटमेंट आपके मतानुसार क्या है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए सोचेंगे तो आपका उत्तर निराशाजनक ना होकर भारत में नागरिक प्रजातंत्र की शांतिपूर्वक और संवैधानिक तरीकों से पुनर्स्थापना ही होगा। भारत के हर नागरिक का स्वयं के एक स्वतंत्र विचार द्वारा बिना किसी पार्टी या विचारधारा से प्रभावित हुए करना ही होगा, क्योंकि पार्टियों की विचारधाराओं और छूटे चुनावी घोषणा पत्रों के मकरजाल में भारत ने 70 साल का एक बेहद लंबा और सुनहरा अवसर गंवा दिया है। आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा कि गुजरे हफ्ते मंगलवार जुलाई 17 की शाम को आपने 1957 से लेकर 1984 तक के पीरियड में पंचायती राज व्यवस्था के सुधार के लिए बनी वेरियस कमिटीज और उनके द्वारा की गई रिकमेंडेशंस के पार्ट वन को सुना था। इस चर्चा को बड़ा होने की वजह से दो भागों में करना पड़ रहा है, तो आइए बात करते हैं उसी चर्चा के दूसरे भाग की, भारत के प्रजातंत्र की ट्रेन के पटरी से उतर जाने की श्रृंखला में लोकल सेल्फ गवर्नेंस की पंचायती राज सिस्टम के हमारे देश में सत्यानाश होने की कुछ और कारणों की। हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टियों के टिकट पर चुनकर आए स्पॉन्सर्ड शहरों और गांवों में पार्षद, सांसद, विधायक, एमएलसी, गांव में पंच, ब्लॉक समितियों और डिस्ट्रिक्ट समितियों में चुने गए प्रतिनिधियों ने और नौकरशाहों ने किस तरह से नष्ट किया है, इसके पीछे उनकी कौन सी व्यक्तिगत, राजनीतिक और आर्थिक मजबूरियों जैसे घिनौने लालच छिपे हुए हैं, ये सब हमने डिस्कस किए थे। 1975 से 1977 तक के राष्ट्रीय आपातकाल, उसके बाद कई पार्टियों के अवसरवादी गठबंधनों से बनी जनता दल की सरकार के 1980 तक के दो साल और 1984 तक आया राम गया राम प्रधानमंत्रियों की सरकारें इस देश में चली। देश और उसकी जनता को एक बार फिर से लगभग एक डेकेड और इन पार्टियों की राजनीतिक और आर्थिक महत्वाकांक्षा की बलि चढ़ गया। आइए अब 1984 के आगे के दौर में चलते हैं। 1984 में राजीव गांधी के भारत के छठवें प्रधानमंत्री बनने के साथ ही देश में गांव और शहरों की पंचायती राज व्यवस्था में कुछ सुधार लाने के लिए राजनीतिक अनुभव और कौशल की कमी के कारण संसद में पूर्ण बहुमत के बावजूद एक असफल प्रयास किया। राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल के दौरान दो और कमेटियां भी गठित की थी, 1985 में जीवी की राव समिति और 1986 में डॉक्टर एल एम सिंघवी कमेटी। जीवी की राव समिति ने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी की गंभीर जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थानों को आंशिक नरक पूरी तरह से सौंपने की सिफारिश की और एक बार फिर से पुरानी कमिटीज की रिकमेंडेशंस को दोहराते हुए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को संवैधानिक रूप से मान्यता दी जाए और उनको प्रोटेक्शन दिया जाए आदि आदि के साथ कहा कि संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा जाना चाहिए, इन संस्थानों के अधिकार और कार्यक्रमों को डिफाइन किया जाना चाहिए। संविधान के 7th स्केड्यूल में उन्होंने अमेंडमेंट का प्रस्ताव रखा और कहा कि इलेक्शन कमीशन की निगरानी में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की व्यवस्था और एक फाइनेंस कमीशन ग्रामीण क्षेत्रों के विकास योजनाओं के लिए नियुक्त करना जरूरी है। 1990 में राजीव गांधी और उनकी पार्टी के आम चुनाव में हार जाने के बाद ये सभी प्रस्तावित सुधार फिर से एक बार ठंडे बस्ते में चले गए। अगले दो सालों में 91 तक एक बार फिर से
अनिश्चितता का दौर चला और दो प्रधानमंत्री आए और गए और फिर आए जून 1991 में राजनीतिक कौशल और दांवपेच में माहिर देश के नवे प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव, जिनके प्रयासों से 24 अप्रैल 1993 को संविधान का 73rd संशोधन अधिनियम 1992 पारित हुआ और फाइनली गणतंत्र बनने के 43 इयर्स के बाद पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। सोचिए, लगभग आधी शताब्दी इस देश ने सिर्फ अपने प्रजातंत्र की धुरी को डिफाइन करने में लगा दिया। इससे जनता का, देश का भविष्य कितना प्रभावित हुआ ये आप देख रहे हैं। संविधान के 73rd संशोधन के तहत गांव और नगरों के इकोनॉमिक डेवलपमेंटल स्कीम्स और सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय के 29 पॉइंट्स को संविधान के 11th शेड्यूल में टैबुलेट किया गया है। ये गांव और शहरों में इन संस्थाओं के काम करने की संवैधानिक जिम्मेदारियां और उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए दी गई शक्तियों से संबंधित है। क्या आप में से कोई इन्हें भलीभांति जानता है या कि आप में से किसी को भी इसे स्कूल या कॉलेज में पढ़ाया गया है? शायद नहीं, हरगिज नहीं। ऑफ कोर्स यदि आप लॉ या पॉलिटिकल साइंस के छात्र नहीं रहे हैं तो स्थानीय विकास कार्यक्रमों यानी कि लोकल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के एग्जीक्यूशन के लिए पंचायतों और नगर पालिकाओं को अपने लिए धन इकट्ठा करने के अधिकार सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं, जिसके तहत आपसे गाँव में भूमि कर, नहरों में से पानी लेने का कर और शहरों में हाउस और काउंसिल टैक्स इत्यादि वसूल किए जाते हैं। इसके अलावा इन लोकल गवर्निंग बॉडीज को 3 और स्रोतों से धन मिलता है। केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा रिकमेंडेड स्थानीय विकास अनुदान, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड योजनाओं के कार्यक्रमों के लिए धन, राज्य वित्तीय निगम आयोग की सिफारिशों पर राज्य सरकारों द्वारा किया जाने वाला बजट, हजारों लाखों करोड़ों की ये रकम कहाँ जाती है, किसे जाती है, क्या आपको कभी पता चलता है? लाखों करोड़ों के इश्तहार आए दिन अखबारों और टीवी पर मीडिया को खुश करने के लिए राज्य और देश की सरकारें अपने फोटो चस्पा करके प्रचारित करती हैं, मगर क्या कभी रेगुलर आय व्यय का स्पष्ट ब्यौरा आपने कहीं किसी पेपर में देखा है या कहीं किसी टीवी पर इस बात का एड देखा है कि जनता चाहे तो वहां पे जाके आज उस आय व्यय को अपलोड किया गया है स्पष्ट तौर पे पढ़ ले? यदि कहीं छपता भी है इतने महीन लेटर्स में, जैसे कि कोई सामान बेचने का डिस्क्लेमर या किसी सॉफ्टवेयर के लोड करने के बाद उसको इंस्टॉल करने का डिस्क्लेमर, अधिकांश जनता उसे कभी नहीं समझ सकती, ना समझ पाती है, उसे इस बात का प्रोत्साहन ही नहीं दिया जाता कि वो जाने। खैर, देश के नौवें प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव के प्रयासों से लाए गए संविधान के 73वें संशोधन के रूप में लाए गए सभी प्रस्तावनाएं 96 में लागू हो सकी। आज भी कुछ राज्य और दिल्ली इसकी परिधि से बाहर हैं। इस बात का जिक्र हम पिछले एपिसोड में ऑलरेडी कर चुके हैं। उचित होगा कि वे साथी जो आज मुझे पहली बार सुन रहे हैं, वे इस चर्चा का पहला भाग शुक्रवार 13 जुलाई 2018 के डायलॉग नंबर 15 जब भी फुर्सत मिले एक बार फेसबुक पे जरूर सुने। इसे बाद में मैं यूट्यूब पर भी अपलोड कर दूंगा। आज की चर्चा में कहे गए सभी पॉइंट्स लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की धुरी यानी कि देश के प्रजातंत्र की नींव, मगर देश का कोई भी शिक्षा से संबंधित केंद्रीय और राजकीय बोर्ड इनका पता देश की भावी पीढ़ियों को लगने ही नहीं देना चाहता है। शिक्षा के नाम पर एक अंधी जनरेशन और कैरियर और कंपटीशन के नाम पर उनके माता पिताओं से रुपया उगाहने की दौड़ लगी हुई है। सोचिए कि कैसे इस देश की भावी पीढ़ी जनतंत्र की आंखें और कान बनेगी। संविधान के निर्माताओं की वह आशा जिसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेटरी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के द्वारा 3-tier पंचायती राज सिस्टम की कल्पना देश में एक नए युग की शुरुआत की पटरी बिछाएगी, उस पटरी के नीचे से तो जमीन ही खींची लेगी और उस पर प्रजातंत्र की ट्रेन चलेगी कैसे, उसे तो डिरेल होना ही था और वैसा ही हुआ भी है। आज मेरे कानों में गूंजती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में की गई एक भविष्यवाणी, जिसमें उन्होंने कहा था, पंचायती राज भारत जैसे पिछड़े देश में भ्रष्टाचार और लोकतंत्र की खाई साबित होगा, उसे जमीनी स्तर पर चरितार्थ होता देख ही रहे हैं। अपने इस वायदे के साथ कि हर मंगलवार शुक्रवार की शाम को इसी तरह अगले हफ्ते
मंगलवार 24 जुलाई 2018 को हम फिर मिलेंगे डायलॉग विद प्रोफेसर निर्मल गुप्ता में और बात करेंगे हमारे बहुत से श्रोता साथियों की कई मांगों में से एक डिमांड को पूरा करने का प्रयास करते हुए। चर्चा करेंगे एक कंटेम्प्रेरी इशू पर, मगर राजनीतिक विचारधारा या किसी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित हुए बिना। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि यदि आपके मन में कोई कंटेम्प्रेरी इशू है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं चाहूंगा कि आपके मन में उठते हुए सवालों से उपजा कंटेम्प्रेरी इशू मैं उसमें डिस्कस करूं। तो अंत में इस उम्मीद और विश्वास एक्सपेक्टेशन के साथ कि आप आज की चर्चा पर अपने परिवार साथियों के साथ साथ अपने मन में भी विचार करेंगे, अपना एक स्वतंत्र निर्णय बनाएंगे और भारत के पवित्र संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, राष्ट्रभूमि में जनतंत्र की स्थापना और उसके प्रसार के महान प्रयास में अपना योगदान करने की बात सोचेंगे। शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट, जय हिंद।